यहाँ क्यों लेकर आई हो? कितनी बार कहा है इसे मेरे सामने मत लाया करो। इसे यहाँ से इतनी दूर ले जाओ मैं इसकी आवाज ना सुन सकूं। नफीस, क्या हो गया तुम्हें? खुदा को यही मंजूर था आखिर इसने इस मासूम बच्ची का क्या कसूर? ये कसूर क्या कम है कि इसके आते ही मेरी शमा मुझसे जुदा हो गई। ये शमा की मौत की जिम्मेदार उसके कातिल है। आया मैं कहता हूं इसे यहां से ले जाकर मैं इसका गला मोड़ दूंगा। नफीस, इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं। शमा भाभी की मौत के सदमे ने तुमसे सोचने समझने की सलाहियत भी छीन ली। इस सदमे ने मुझसे मेरी जिंदगी क्यों नहीं छीन ली? मैं भी कितना बेवफा और सब जान हो रखता उसकी मौत के बाद भी देखता मौत के बाद भी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की फाइलें कर रहे सर, आप इन दिनों बहुत काम कर रहे हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। काम करने से कोई नहीं मना करता रशीद साहब, इसलिए मैं आजकल अपने आप को दिन रात मसरूफ करना चाहता। आया गुड़िया लाए हैं। ये बोलती भी है, तुम भी बोलो ना बेटी। किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को? है कब तक घोड़े बने रहोगे? तुम्हारी क्या सलाह, गधा बन जाओ। नहीं दादी, नहीं गधा ना बनना। अब ये हिनहिनाना बंद करो और क्लिनिक जाओ। सुबह से फोन पे फोन आ रहे हैं। तुम्हें तो बेटी के चोंचलों से फुर्सत ही नहीं है। दो गोरे का कर दिया है लड़की को। देखो डार्लिंग, मुझे जो चाहो कहो मगर मेरी बेटी को कुछ ना कहना। फूट गई तकदीर। ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात करो। मैं कहती हूँ क्लिनिक जाओगे कि नहीं? क्लिनिक? आज तो घर से जाने को जी नहीं चाहता। सच? और नहीं तो क्या? झूठ? आइडिया अच्छा है मगर तुम्हारी वजह से नहीं, बेबी की वजह से। हाँ हाँ, मेरी तो सूरत से नफरत है तुम्हें। फाइला फूट गई तकदीर। तुम्हारी तकदीर फूटने का तो गम नहीं है, अलबत्ता ये रोज रोज क्रॉकरी जो फूटती है ये फिक्र वाली बात है। गुड़िया उसे दे दे। सुरैया क्या कर रही है? जी कुछ नहीं, बुलाऊं? नहीं। देखो बेबी, अब वो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गुड़िया लाए। अच्छी है ना? हंसा बोला करो बेटी, यही दिन तो तुम्हारे हाथ में बोलने। आया, अब वो तो मुझसे बोलते नहीं।
यार तुम तो अपने साथ ऐसा सलूक कर रहे हो जैसे किसी दुश्मन से इंतकाम लेते हो। न खाने पीने का होश, न सैर, न तफरी, बस दिन रात काम और गोशा नशीन। आखिर कब तक यूं ही जिंदगी गुजारूं? तुम्हारे ख्याल से मैं जिंदगी गुजार रहा हूं? मैं सजा काट रहा हूं। कैसी बातें करते हो, मरने वालों के साथ कोई मर तो नहीं जाता, बल्कि इस तरह तो भाभी की रूह को भी तकलीफ पहुंचती होगी। अफसोस तो यह है कि तुम्हें सुरैया से भी कोई प्यार नहीं, जो क्षमा की निशानी। ये न कहो तुम, मुझे भला सुरैया से प्यार क्यों नहीं होगा? आखिर वो मेरा ही खून है। मैं तो सोचता हूं रुस्तम कि उस गरीब को इस दुनिया में आकर क्या मिला। मां के दूध का एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन तुम चाहो तो ये कमी दूर कर सकते हो। बहुत कोशिश करता हूं रुस्तम, लेकिन क्या करूं? जब ख्याल आता है कि इसकी वजह से शम्मा की जान गई है तो जज्बात पर काबू नहीं रहता। उसकी सूरत देखते ही शम्मा की मौत याद आ जाती है। यह सरासर जुल्म है। तुम्हारे इस सुलूक से उस मासूम के दिल पर क्या गुजरती होगी? मैं उसका दिल मैला नहीं होने देता रुस्तम। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं मुझे उसका कितना ख्याल है। कुछ भी हो नफीस, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि शम्मा तुम्हारी सिर्फ बीवी थी मगर सुरैया की मां थी। मां जिसका कोई बदल नहीं हो सकता। शमा का भी तो कोई बदल नहीं है रुस्तम। वो मेरी बीवी ही नहीं थी, मेरी तकदीर थी, मेरी जिंदगी थी, मेरी कायनात थी। और सुरैया भी उसी कायनात का एक हिस्सा है। अभी आपने सुहेल हाशमी की आवाज में एक नगमा सुना, लीजिए अब एक गीत सुनिए। आया सलाम मालिक। ये लो मैं सुरैया के लिए सूट लाया। क्या कर रही है सुरैया? जी कुछ नहीं, बुलाओ। नहीं वहां देखो, मेरे कमरे से टेलीविजन उठा के उसके कमरे में लगा दो और उसे कहते ना मैं उसके लिए देवरात को आकर दे आई हूँ।